Hello everyone and welcome back to my YouTube channel, The Heavy Engine. Well, आज का हमारा टॉपिक है द बीवी की वाइन्स अनफेयर. इस वीडियो को इसने सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बट एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए हर उस बंदे के लिए बनाया है जो कि रंग और रूप को लेकर भेदभाव करता है, शरीर को लेकर मजाक या किसी तरह की कॉमेडी वगैरह वगैरह जो कि हो सकता है किसी को बुरी लग जाए. कुछ लोग पर्सनल नहीं लेते होंगे, कुछ लोग पर्सनल लेते होंगे. सो मेन टॉपिक इसका कलर है. सो आई थॉट टू मेक अ रिएक्शन वीडियो जिससे पता चले कि दिस इज़ रियली नॉट गुड टू चूज अ पीपल बेस्ड ऑन द कलर, देयर कलर. और शायद आई गेस बाकी जो भी मैं कहना चाहता हूँ, जो भी मैं बताना चाहता हूँ और इस वीडियो को और प्रमोट करना चाहता हूँ ताकि उन लोगों को भी पता चले जिन लोगों ने आज तक इस चीज़ों पे मजाक बनाया है लोगों का. सो लेट्स जस्ट नॉट वेस्ट द टाइम एंड स्टार्ट द वीडियो. बेटा शादी पे चलेगा अगले हफ्ते? किसकी? ऑफिस के दोस्त हैं, उनके बेटे की शादी है. हाँ चलो चलो. लड़की सुंदर है, थोड़ी ऐसी है. ऐसी है मतलब? थोड़ी सांवली है. तो लड़का इतना गोरा, लड़की थोड़ी ठीक है. अब ठीक है, ठीक है. एक सेकंड, वो गोरी नहीं है तो बेकार है. ना ना, क्या पता वो लड़का शादी के बाद उसके साथ मार पिटाई करे, बस चलता है, गोरा है. आपके कहने का मतलब है कि जो फेयर कम्प्लेक्शन है वो बेस्ट है और बाकी जो रंग है वो नीचे है. ये गोरे रंग को लेके किस बात का गुरूर है? अक्सर हम न्यूज में देखते हैं कि किसी का रिश्ता टूट गया क्योंकि उसका रंग गोरा नहीं है. मैं एक सेकंड मैट्रिमोनियल कॉलम दिखाता हूं. नीड अ गुड लुकिंग ब्राइड फॉर MBA ग्रेजुएट, मिनिमम हाइट 5'8", फेयर कंप्लेक्शन. फेयर कंप्लेक्शन, गुड लुकिंग ब्राइड. हाँ, लुकिंग फॉर अ टॉल मैन 6 feet मिनिमम विद डिसेंट इनकम. डिसेंट इनकम, ये मैट्रिमोनियल है. बहू चाहिए, नौकरानी चाहिए, मॉडल चाहिए या दामाद चाहिए या बैंक चाहिए, ये सामान खरीद रहे हैं लोग. अगर मुझे किसी ऐसी लड़की से प्यार हो गया जिसका रंग गोरा नहीं है तो आप शादी नहीं करने दोगे? चलो छोड़ो, एक ऐसी लड़की से शादी कर ली जिसका अच्छा खासा सोसाइटी के स्टैंडर्ड के हिसाब से कॉम्प्लेक्शन है, फिर आपको पता लगे कि वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करती, आपसे बदतमीजी से बात करती है, ये बहुत बड़ी बात. फिर क्या करो? बड़ी बात बेटा, ऐसा बहुत कम होता है. नहीं पापा, टीवी एड्स में दिखा है, फेयर स्किन इज इक्वल टू सक्सेस. गोरापन पाई है सिर्फ 4 हफ्तों में. काली या सांवली है तो इंटरव्यू रिजेक्ट, और गोरी है तो अचानक कंपनी की सीईओ बन गई. यहाँ बॉलीवुड स्टार्स को भगवान मानते हैं और वही भगवान अपने भक्तों से कह रहा है कि गोरे होने की क्रीम लगाओ, उसी में फायदा है. दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई और अभी भी हम गोरे होने के नुस्खे ढूंढ रहे हैं ताकि सामने वाले का अप्रूवल मिल जाए. हॉलीवुड के साथ पता नहीं क्या ऑब्सेशन है हमारा. एक्टर और एक्ट्रेस इस पे लट्टू हुए पड़े सब, पर वो हमसे लाख गुना अच्छे हैं. वो एटलीस्ट अपनी फिल्मों में हर तरह के कॉम्प्लेक्शन वाले बंदे को मेन हीरो बनाते हैं, और यहाँ क्या है, सिर्फ ग्लैमर दिखना चाहिए. और ग्लैमर कौन देगा? गोरे लड़के और लड़कियां. मेरे स्कूल में छोटे छोटे बच्चे एक दूसरे को रंगों के नाम पे चढ़ाते हैं. ओए कल्लू इधर आ, ओए कल्लन मैं तेरे मारूंगा. अरे छोटे बच्चे पूरी जिंदगी ये इनसिक्योरिटी में निकाल रहे हैं कि उनके अंदर कोई कमी है. कमी उनके अंदर नहीं है, कमी तो सामने वाले में है जो इस नाम से चढ़ा रहा है. कोर्स उस बंदे की क्या कॉन्फिडेंस क्या रह गया? बेचारा हमेशा यही समझेगा कि यार मैं काला हूं, मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा लाइफ में. पर बच्चों की क्या गलती है? उन्होंने भी तो ये अपने घरों में और टीवी पे ही देखा होगा. आजकल कॉमेडी शोज में भी तो यही चल रहा है, कलर पे जोक्स, बॉडी शेमिंग जोक्स. ए तू कितना मोटा है, तू तो ट्रक में आने की जरूरत नहीं है, तू कितना काला है, कोयला खाता है क्या? अरे गया वो जमाना, वो गंदा जमाना जब रंग रूप को लेके बातें होती थी. किसी को ये बात अच्छी लगे ना लगे, पर हमारे कई पूर्वज अनपढ़, जाहिल और गवार थे जिन्होंने इन चीजों को बढ़ावा दिया, इसलिए आज तक हम भुगत रहे हैं. ये नीची जाति के लोग और क्या, ये अछूत लोग. अछूत कौन है? हमारी गंदगी साफ करने वाला अछूत है. मेरी गंदगी साफ करने वाला अछूत है. अगर मैं ऐसा सोचता हूँ ना, अच्छा तो मेरी डिग्री उसके अनपढ़ होने के आगे कोई औकात नहीं है. तो आज उसका अनपढ़ होना मेरे से बेहतर. स्कूल में हिस्ट्री की किताबों में, पॉलिटिकल साइंस में लगातार सालों साल एक ही चीज पढ़ा रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, कलर इज नॉट अलाउड. बट बॉलीवुड में, टीवी एड्स में और ये मैट्रिमोनियल में सारी बातें कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं. रेसिज्म घर से ही शुरू होता है पापा.
अभी हम शादी पे जाएंगे, वहाँ 100 लोग आएंगे, वो लड़की को देख के कहेंगे तो कितनी सावली है, वो कितना गोरा है, उन्हीं की शादी में उन्हीं का खाना खा के उन्हीं की बुराई करके वापस आ जाएंगे। ये रेसिज्म ही है और घर से शुरू होता है। दुनिया मानती अब्दुल कलाम को, उनकी बातों को, पर वो तो गोरे नहीं थे। बट ही स्टिल बी वन ऑफ द बेस्ट प्रेसिडेंट्स वी विल एवर हैव। एंड में वैल्यूज ही मैटर करती हैं। झूरियां तो कल या परसों आई जानी है। क्या करोगे गोरे रंग का उस समय? बहुत सही डेफिनेशन है। Well, I guess you all would have liked this video. अगर आपने नहीं देखा है सो मेरा रिएक्शन वीडियो देखने से पहले इस बंदे का चैनल सब्सक्राइब करो एंड प्रमोट दिस वीडियो, नॉट ओनली जस्ट फॉर फन। फन ठीक है, वीडियो अच्छा था, कैरेक्टर्स थे, तीन चार कैरेक्टर्स ने अपने पेरेंट्स को इंक्लूड किया, अपनी माँ को इंक्लूड किया, सो इट वॉज गुड, इट वॉज ओवरऑल गुड। बट प्रमोट करने के लिए यू डू शेयर इट विद एवरीवन हु डज दैट। मेक श्योर आप उनको ये वीडियो दिखाओ, उन्हें पता चले कि कलर के नाम पे भेदभाव बहुत 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 खराब है। बिल्कुल, मतलब ये बैरेबल नहीं है, ये बैरेबल के लिस्ट में है। सो आई गेस प्रॉब्ली यू हाई लाइक दिस वीडियो, सो बिफोर सब्सक्राइबिंग एंड लाइकिंग दिस वीडियो यू गो एंड सब्सक्राइब एंड हिट लाइक बटन टू दिस पीवीकी वाइंस। ही इज अ ग्रेट 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 यूट्यूबर। आई गेस मुझे प्रमोट करने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल अगर ये वीडियो नहीं देखा, आई वॉज द वन हु हैज एक्चुअली सब्सक्राइब्ड हिज चैनल एंड लाइक हिज वीडियो बिकॉज ऑफ दिस, ओनली बिकॉज ऑफ दिस। बाकी सब एंटरटेनमेंट है, टाइम शुरू होगा, कॉमेडियंस एंड यू नो जो बना सकता है वीडियो, एक्टर यू कैन से जो एक्ट करता है बेस्ट, बट ये जो मैसेज ने दिया आई गेस परहैप्स शायद किसी ने नहीं दिया। सो आई गेस दिस इज ऑल फ्रॉम माई एंड एंड सब्सक्राइब माई चैनल द हैवेंजर। थैंक यू सो मच।